एक मधुसूदन सरस्वती पाद सन्यासी महात्मा, उन्होंने सुना कि कलयुग में कोई भी जप करने पर उसका चौगना जप करने पर उसका फल प्रत्यक्ष प्रकट हो जाता है। जैसे ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय पंचाक्षर है, आप इसका पंचाक्षर जप करो तो इसका 20 लाख जप करोगे तो एक पुरुष शरण पूरा हो जाएगा। कलौ चतुर्गुणा प्रोक्ता, कलयुग में चौगने करने पर उसका फल मिलता है। उदाहरण से जैसे आपका राहु खराब है और पंडित जी ने कहा राहु का जप कराओ, तो पंडित जी से राहु का चौगना जप कराओ जितना जप होता है, केतु का जप कराओ चौगना जप कराओ जितना होता है, तो उससे शांति मिलेगी, एक बार करने से नहीं होता। कोई भी मंत्र का जप चौगना करने पर उसका फल सामने प्रकट हो जाता है। तो मधुसूदन सरस्वती पाद ने वृंदावन आकर के गोपाल मंत्र के चौगना जप किया, पर मधुसूदन सरस्वती पाद को भगवान के दर्शन नहीं हुए। वो लौट करके वापस बनारस पहुंचे, बनारस गंगा जी के किनारे बैठे हुए थे, मन उदास था, विचार कर रहे थे या तो मेरे जप में कमी है या पर शास्त्रों में जो लिखा है उसमें कमी है, कमी तो कहीं ना कहीं है। उसी समय काशी के कोतवाल जो भैरव बाबा है, ये ब्राह्मण का वेश धारण करके आए और आकर मधुसूदन सरस्वती पाद से कहा, बोले महात्मा कैसे परेशान हो? बोले मैंने तो सुना शास्त्रों में कि जिस मंत्र का जप किया जाए उसका फल सामने प्रकट हो जाता है, पर मैंने वृंदावन में जाकर गोपाल मंत्र के अनुष्ठान किए, मुझे भगवान के दर्शन हुए नहीं। तब देखो ध्यान दीजिएगा, हम लोग जो भजन करते हैं हमारे भजन का फल नहीं मिल रहा, इसका मतलब ये नहीं भजन बेकार जा रहा है, भजन बेकार नहीं जा रहा है। महाराज जी कहते हैं जो 5.5 वर्ष की अवस्था में 6 महीने में ध्रुव जी को भगवान मिले तो बड़े बड़े संत महात्माओं ने भजन करना ही बंद कर दिया। अब ने को भजन नहीं करना, अब भजन नहीं करना, क्यों? बोले हम हजारों वर्ष तक भजन कर रहे हैं पर हमें भगवान के दर्शन नहीं हुए। ये छोटा सा 5 वर्ष का बालक 6 महीने में भगवान के दर्शन होंगे, ये तो हमसे भी आगे निकल गया। तो भगवान ने नारद जी को प्रेरणा से भेजा। नारद जी जितने भी महापुरुष थे जो भजन कर रहे थे सबको लेके गए, बड़े कंदराओं में, नदियों में, पहाड़ों में निकाल के ले गए, एक भयंकर विशाल सुनसान जगह, कुछ नहीं निर्जन जगह, केवल हड्डियों के पहाड़ लगे, हड्डियों के पहाड़ लगे। महात्माओं ने नारद जी से पूछा ये कहां ले आए, कैसे शमशान है, विशाल हड्डियों के पहाड़। नारद जी मुस्कुरा के कहने लगे जानते हो ये हड्डियां किसकी है? बोले नहीं। बोले ये जो हड्डी है ये किसी और की हड्डी नहीं है, ये ध्रुव जी की कई जन्मों की हड्डियां हैं जिनका पहाड़ लग गया है, इस जन्म में आकर के ध्रुव जी की साधना सफल हुई है।